थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का वार्निंग भी है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग तेज हवा 40-50 एमपीएस का वार्निंग मिली है आइसोलेटेड पॉकेट्स में। नोआपारा, बलांगीर, कालाहंडी, कंधमाल, बौद्ध, ओंगोल, धनकनाल, सुंदरगढ़, देवगढ़, केवंझर, मयूरभंज, बालासोर डिस्ट्रिक्ट में हेल व कुआपत्थर पे गिर सकते हैं। नोआपारा, बलांगीर, कालाहंडी डिस्ट्रिक्ट का अंदर में एक दो जगह करके। फिर कल 18 मार्च थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी स्लाइटली इंक्रीज करने का चांसेस है। इसमें मेनी प्लेसेस में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी के साथ बारिश उड़ीसा का सभी डिस्ट्रिक्ट में होने का चांसेस है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हेल गास्टी सरफेस विंड होने का चांसेस है। केवंझर, मयूरभंज, जंगुल, धनकनाल, कटक, जगत सिंहपुर, नयागढ़, खुर्दा, पुरी डिस्ट्रिक्ट का कुछ प्लेसेस में। इसमें से जजपुर, धनकनाल, कटक में हेवी रेनफॉल भी एक दो जगह करके हो सकता है। बाकी कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट, सुंदरगढ़, मयूरभंज, देवगढ़, बौद्ध, कंधमाल, रायगढ़, कोरापुट, मलकान डिस्ट्रिक्ट में गास्टी सरफेस विंड, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने का पॉसिबिलिटी है। फिर 19th में स्लाइटली रिड्यूस करेगा। इसमें कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट में और केवंझर, मयूरभंज, जंगुल, धनकनाल, कंधमाल, बौद्ध में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का साथ बारिश ज्यादा पॉसिबिलिटी है। बाकी इंटीरियर में भी थंडरस्टॉर्म का साथ बारिश का पॉसिबिलिटी है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग गास्टी सरफेस विंड नॉर्थ कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट, पुरी, गंजाम, मयूरभंज में होने का पॉसिबिलिटी है। और फिर 20th में और भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कम होने जाने का चांसेस है। इसमें सुंदरगढ़, केवंझर, मयूरभंज, बालासोर में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का पॉसिबिलिटी है। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में हल्का बारिश एक दो जगह में हो सकता है। फिर 21st में और भी कम हो जाएगा, एक दो जगह में थंडरस्टॉर्म का साथ बारिश हो सकता है। भुवनेश्वर सिटी में हमारा पिछले 24 घंटा में क्लाउडीनेस था। मैक्सिमम टेम्परेचर 31.6 था, यह स्वाभाविक से 4 डिग्री कम था। अभी मैक्सिमम टेम्परेचर पिछले 24 घंटे में कुछ स्थानों पर